नमस्कार, बहुत स्वागत है आप लोगों का इस लोक प्रशासन की क्लास में। आज हम लोग लोक प्रशासन का महत्व तथा बढ़ता महत्व देखेंगे। देखिए, पहली यूनिट हम लोग कर रहे हैं, इसमें हम लोग अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है। पहली क्लास में हमने देखा अर्थ तथा परिभाषा, फिर दूसरी क्लास में हमने देखा लोक प्रशासन का क्षेत्र, सभी दृष्टिकोण देखे क्षेत्रों के हमने। अभी तीसरी क्लास है आज ये, एज अ क्लास के रूप में। बाकी मैंने दो डेमो वीडियो बनाए हैं, इसमें हम लोग देखेंगे लोक प्रशासन का महत्व। और यहां से क्वेश्चन लगातार एग्जाम में आते हैं, चाहे 10 नंबर का सवाल हो चाहे 15 नंबर का सवाल हो, यहां पे आपको क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। एडमिशन संबंधित किसी जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए। फीस से रिलेटेड या एडमिशन कैसे लेना है वो आप 94 वाले नंबर पर इस पर संपर्क कर सकते हैं। और लोक प्रशासन जैसे सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत हो रही हो, कुछ भी समझने में, या पूछना चाह रहे हो, कोई डाउट हो किसी चीज में, तो आप इस नंबर पर संपर्क करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जो दो नंबर आपके सामने हैं, इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं आप। अपना जो भी एडमिशन क्वेरी हो, जो भी चीजें आप इस पर पूछ सकते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे आज की क्लास, जिसमें हम लोग देखेंगे लोक प्रशासन का महत्व। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, लोक प्रशासन के महत्व पर सीधे सवाल आता है या किसी चीज के साथ जोड़ के आ जाता है, जोड़ा हुआ कैसे रहेगा। लोक प्रशासन को परिभाषित करते हुए उसके महत्व पर चर्चा कीजिए, या लोक प्रशासन थोड़ा सा घुमा क्वेश्चन आ जाता है। जब जब यूनिट खत्म हो जाएगी तो इस यूनिट से किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं या बने हैं, उनकी पूरी एक क्लास लेके आएंगे हम आप लोगों के लिए। इसमें आप लोग को बताएंगे कि भाई कैसे कैसे, देखिए क्वेश्चन है ये, आप लोग को समझिए। उसमें घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान बदलती परिस्थितियों में लोक प्रशासन का महत्व में लगातार वृद्धि हो रही है, टिप्पणी कीजिए। ठीक, ऐसे ऐसे करके तो वो पूछेगा महत्व ही आपसे वो, लेकिन उसका रूप बदल देता है क्वेश्चन का। तो हम आपको समझाएंगे उसको कि कैसे कैसे आप लोगों को करना है, आपको कैसे समझ में आएगा क्या है ये। तो जब क्लास यूनिट खत्म हो जाएगी तो यूनिट के बाद एक लाइव क्लास भी लेके आएंगे। उसी लाइव क्लास में हम क्या करेंगे, तो आप लोगों के लिए सारे जितने भी क्वेश्चन अब तक इंपॉर्टेंट इस यूनिट से आए होंगे और जिनकी आने की लगातार संभावना, उस लाइव क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लेके आऊंगा, फ्रेम भी लेके आऊंगा आंसर का उसके आपके लिए। और ये बने ही इस तरीके से कि जैसे अब महत्व है, तो महत्व में मैंने लगभग 300 शब्दों में कंटेंट तैयार कराया हुआ है आपके लिए। 300 शब्दों में आपको यहाँ पर कंटेंट मिलेगा। ये जो मैंने मात लिखा लगभग 300 350 शब्दों में है, थोड़ा सा ज्यादा रखा गया है यहाँ पर, क्योंकि आप लोग उसमें बहुत सारी चीज छोड़ देंगे अपने हिसाब से, तो आपके पास कंटेंट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं लोक प्रशासन का महत्व। हमने अर्थ देखा, परिभाषा देखी, हमने उसके बाद देखा उसका क्षेत्र, अब देखते हैं लोक प्रशासन का महत्व। लोक प्रशासन आधुनिक समाज का एक अनिवार्य अंग बन गया है और इसने उन चीजों का उद्भव देखा है जिसमें प्रशासक, विचारक, प्रशासकीय राज्य कहते हैं। इसका अर्थ है कि गर्भ से कब्र तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक समझ लीजिए कि पॉइंट है जो आप यूज करेंगे एग्जाम में, तो आपको नंबर जो है मिलेंगे, क्योंकि उसे पता चलेगा आपने गहराई से सब्जेक्ट को पढ़ा है। गर्भ से कब्र तक व्यक्तियों के प्रत्येक गतिविधि में प्रशासनिक एजेंसियों द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होती है। जैसा आप जानते हैं कि जब कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन, या जब वो गर्भ में रहता है तो उसके ऊपर भी दुनिया भर के नियम कानून लग जाते हैं कि आप गर्भपात नहीं करा सकते, या उसके लिए कई सारी जो है उसके राइट्स डेवलप हो जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्रशासन का काम कहाँ शुरू हो जाता है, व्यक्ति के गर्भ से। और कब तक, जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उस पर पंचनामा, अगर मर्डर हुआ है और नॉर्मल मृत्यु हुई है तो उसका क्या कहते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, मृत्यु सर्टिफिकेट जारी होता है, ये सारी चीजें प्रशासन का काम है। तो इसीलिए कहा जाता है कि लोक प्रशासन का महत्व इसी समझा जा सकता है कि वो कहाँ गर्भ से कब्र तक जो है उसकी गतिविधि व्यक्ति के जीवन में हमें देखने को मिलती है। अतः उपरोक्त कथन से एवं निम्न बिंदुओं से हम लोक प्रशासन के महत्व या बढ़ते महत्व का बोध कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि लोक प्रशासन का महत्व कैसे बढ़ रहा है वर्तमान समय में। मैंने जैसा बताया था कि अगर हो सके तो आप लोग घर में एक परिभाषा डाल देंगे तो सही रहेगा। WB डॉनहम के अनुसार यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो इसका प्रमुख कारण क्या है, प्रशासन का विखंडन। तो डनहम ने क्या कहा है, डॉनहम या डनहम कह लीजिए, उन्होंने क्या कहा है, देखिए परिभाषित किया एक तरीके से इसके महत्व को, कि अगर हमारी सफलता, हमारी सभ्यता अगर समाप्त हो जाती है, विफल हो जाती है, तो वो क्यों होगी, जब जब ऐसा तभी होगा जब प्रशासन खंडित हो जाएगा या प्रशासन जो है विफल हो जाएगा। एल्डी व्हाइट इसके महत्व को रेखांकित करते हुए लिखते हैं कि लोक प्रशासन की प्रकृति, विषय वस्तु
और कार्य क्षेत्र, ये सभी मिलकर इस आधुनिक शासन की समस्या को जो है हृदय स्थल बना देते हैं। कहने का अर्थ है कि इसको आपने क्या कहा है एल डी वाइट ने, कि ये ऐसे समझिए कि किसी भी समस्या के समाधान का केंद्र बिंदु, या जिस तरीके से हृदय मनुष्य के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसी प्रकार से लोक प्रशासन या प्रशासन जो है इस पूरे सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण हृदय समान है। ये एल डी वाइट ने इसके महत्व को इंगित करते हुए लिखा है। हेनरी फ्योल कहते हैं कि प्रशासनिक प्रक्रिया सार्वभौमिक है। उन्होंने इतना बड़ी बात कह दी लोक प्रशासन के लिए। क्या कह रहे हैं कि प्रशासनिक प्रक्रिया जो है, ये पूरी मशीनरी जो है वो यूनिवर्सल है। यानी कि अगर यूनिवर्स है तो कहीं ना हर जगह, हर देश में किसी न किसी रूप में लोक प्रशासन आपको देखने को मिलेगा। तो हेनरी फॉल कहते हैं इसको सार्वभौमिक, फ्लेक्स एंड निग्रो। देखिए चार पांच डेफिनेशन मैंने दी हुई है, ऐसा नहीं कि आपको सारी लिखनी है, इसमें से कोई दो आप जो याद कर सके लिख दीजिए। फ्लेक्स एंड निग्रो, प्रशासन का असली मर्म जनता को दी जाने वाली बुनियादी सेवाएं है। जनता को दी जाने वाली बुनियादी सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया है किसने, फ्लेक्स एंड निग्रो ने प्रशासन को। अब देखिए वहां तो हम लोगों ने पहले एक शुरू के पैराग्राफ में क्या देख लिया, एक परिचय टाइप देख लिया हमने लोक प्रशासन की भूमिका महत्व को समझते हुए। देखिए अगर भूमिका आया ना तब भी आपको यही लिखना है, भूमिका और महत्व तो लगभग एक ही चीज है। तो पहले हमने पैराग्राफ में देख लिया क्या, क्यों महत्व है, क्या भूमिका है उसकी। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि इसकी जो निम्न रूप में विश्लेषण करने के लिए कि बिंदुवार तरीके से रख के देखेंगे इसको, पॉइंटों में आंसर। देखिए मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोगों को, जब आप आंसर लिखें तो पॉइंटों में लिखें, बुलेट पॉइंट्स में नंबर ज्यादा मिलते हैं। तो हमने पहले परिभाषा के रूप में समझा कि महत्व इसका, फिर उसको विश्लेषण कर रहे हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे। चलिए तो पहला बिंदु क्या कह रहा है, चाहे राजतंत्र हो या लोकतंत्र, चीन जैसा कम्युनिस्ट देश हो या पूंजीवादी देश, ये सरकार के बुनियाद के रूप में वहां पर लोक प्रशासन उपलब्ध होता है। जैसे चीन में है भाई, लेकिन चीन का भी सिस्टम कैसे चलेगा, प्रशासन से ही चलता है। भारत जैसा लोकतंत्र है, चाहे ब्रिटेन का राजतंत्र है, हर जगह जो है प्रशासन किसी न किसी रूप में आपको देखने को मिलेगा। इससे आप इसके महत्व को समझ सकते हैं। दूसरा, यह राज्य द्वारा निर्धारित कानून तथा नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने का औजार है। कहने का अर्थ है जो नीतियां विधायिका द्वारा बनाई जाती हैं, या गवर्नमेंट जो सरकारें कानून बनाती हैं और या नीतियां बनाती हैं, तो वो सिर्फ बनाने का काम विधायिका करती है, लेकिन जो लागू करने के लिए मेन मशीनरी है वो कौन है, वो है आपका प्रशासन। इससे इसकी महत्ता को समझा जा सकता है। तीसरी दुनिया मतलब जो विकासशील देश है, जैसे भारत एक विकासशील देश है, उसको तीसरी दुनिया में रखा जाता है। एक है विकसित, अविकसित और विकासशील, तीन देश हैं, विकसित देश अमेरिका, अविकसित अफ्रीकन देश, और जो विकासशील देशों ने तीसरी दुनिया कहा गया। तो तीसरी दुनिया यानी विकासशील देशों में ये सामाजिक बदलाव और आर्थिक विकास का औजार है। कैसे, देखिए जैसे कि भाई हमारे यहाँ पर वर्तमान में आप 10 साल 15 साल पहले की स्थिति देखिए भारत की, और वर्तमान की स्थिति देखिए, तो जो चेंजेस आ रहे हैं, जो नए नए कार्यक्रम और जो चीजें भारत सरकार द्वारा लागू की जा रही हैं, उनको लागू करने या उनको सही तरीके से आगे बढ़ाने में लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका को आराम से आप देख सकते हैं। बिना उसके अगर कितनी अच्छी भी नीतियां बना ली जाए, लेकिन अगर प्रशासन गतिशील नहीं होगा, प्रशासन परिपक्व नहीं होगा, प्रशासन जो है सशक्त और दक्ष नहीं होगा, तो अच्छी से अच्छी नीति भी विफल हो जाएगी। तो तीसरी देश जहां पर, तीसरा तीसरी दुनिया या विकासशील देश जहां पर हैं, जहां पर एक अलग सिस्टम है, अर्थात सिस्टम कैसा कि न तो वहां पर हमारे पास बहुत ज्यादा संसाधन है, न हमारे पास बहुत पैसा है, न हम तकनीकी रूप से दक्ष हैं, ऐसी ऐसी समाज में एक तरीके से जहां पर जिला जिला ही जनता के लिए सब कुछ है, तो वहां पर जिला अधिकारी जो होता है वही वहां का सरकार होता है। तो ऐसे देश में जहां पर जिला ही सब कुछ है, एक गांव का कोई बुधिया आदमी होगा, किसी का नाम रख लीजिए, कोई गांव का ग्रामीण एकदम व्यक्ति है, उसको प्रधानमंत्री मोदी से क्या लेना देना, उनको तो सिर्फ मतलब है कि हमारे जिले का डीएम कौन है, हमारे तहसील का एसडीएम कौन है, उसका काम ले दे के वही शुरू होगा और वही समाप्त हो जाएगा। उसे कभी मौका नहीं मिलेगा अपने जीवन में जाके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिलने का। तो उसके लिए सरकार, उसकी तहसील में बैठा हुआ एसडीएम और उसके जिले का बैठा हुआ डीएम, और इवन वो छोड़िए उसका जो लेखपाल होगा वो भी उसके लिए सरकार ही है। तो इसीलिए आप समझिए कि लोक प्रशासन का महत्व कितना महत्वपूर्ण है आम आदमी के लिए। यह जनता को विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य,
परिवहन आदि उपलब्ध कराने के लिए राज्य के औजार के रूप में कार्य करता है। देखिए, नई शिक्षा नीति लागू होनी है, उसमें सारा रोल किसका होगा? शिक्षा विभाग का। पूरी तरीके से सब प्रशासनिक अधिकारी इसमें काम करेंगे सिस्टमेटिक वे में, तब जाके शिक्षा नई शिक्षा नीति लागू हो पाएगी। प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना पूरी तरीके से स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी योजना है। पूरी तरीके से किस पर आधारित है? जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, यानी कि जो स्वास्थ्य में प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके। परिवहन अधिकारी, जो हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए ये औजार के रूप में हमारा प्रशासन काम करता है। तो ये जो बुनियादी चीजें हैं हमारे जीवन में, वो बिना प्रशासन के संभव नहीं है। तो आप अपने महत्व को, लोक प्रशासन के महत्व को इस तरीके से भी यहां पर दर्शा सकते हैं। यह समाज में एक महान स्त्रीकरण की शक्ति है, क्योंकि जब क्रांतियां, चुनाव, तख्ता पलटने जैसी क्रियाएं होती हैं और सरकारें बदलती हैं, तो यह निरंतरता प्रदान करती है। ध्यान दीजिए, कभी क्या होता है, अचानक से गवर्नमेंट गिर गई, जैसा कि अभी देखिए क्या चल रहा है मामला, कि हरियाणा में हो सकता है गवर्नमेंट गिर जाए कल, या कई देशों में ऐसा हुआ कि कोई क्रांति हुई, तख्ता पलट हो गया, चुनाव के समय जब पूरी तरीके से राजनीति पार्टियां जो होती हैं वो पार्टी के रूप में आ जाती हैं, सरकार की भूमिका से अलग हो जाती हैं, तो ऐसी दशा में जब ब्लैंकनेस आ जाती है, अभी ताजा उदाहरण समझिए, लिख सकते हैं जैसे वर्तमान में जब आपका पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसी दशा में आपने देखा कि प्रधान की जो जो उसके पास दफ्ती होती है, जो उसका बस्ता होता है, उसे जब्त कर लिया जाता है। प्रधान का दफ्ता, जब उसका क्या कहते हैं कि वो बस्ता जो है जब्त कर लिया गया, सील कर दिया गया, तो ऐसा नहीं कि वहां पर सब काम रुक गया होगा, गांव में वहां कोई विकास कार्य नहीं हो रहे होंगे, हो रहे हैं, लेकिन अब कौन कर रहा है? वीडियो, वीडियो मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, उसको जिम्मेदारी दे दी गई कि अब इसका काम, जब तक नया प्रधान नहीं आ जाता तब तक ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा वीडियो। इसी प्रकार जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, ये लोग सिस्टम को चलाए रहते हैं जब तक नई सरकार नहीं आ जाती है। ऐसे समयों पर आप इसकी भूमिका को या इसके महत्व को आसानी से पहचान या समझ सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है, इसकी बढ़ती भूमिकाएं या बढ़ता महत्व, उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन आ जाता है ऐसे करके कि वर्तमान समय में लोक प्रशासन की भूमिका और महत्व में एकाएक बढ़ोतरी देखने को मिलती है, समीक्षा कीजिए। तो वहां पर आपको क्या लिखना है? तो सामान्य सा ऊपर हो गया जो अब तक चला आ रहा था, या हमेशा हर जगह उपलब्ध है ऊपर की चीजें। अगर बढ़ता महत्व या वर्तमान समय में लोक प्रशासन का महत्व में और वृद्धि हुई है, टिप्पणी कीजिए, ऐसा करके क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या लिखना होगा? देखिए, बढ़ती भूमिकाएं या बढ़ता महत्व। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास बड़ी सरकारों में परिमापित हुए हैं, बहुत तेजी से क्या हुआ है, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास हुआ है इस समय। इसका मतलब है कि लोक प्रशासन की गतिविधियों में भारी विस्तार हुआ है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक, चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाना, और भी इस तरीके की, जैसे कि आपका क्रिप्टो करेंसी हो गया, या जितनी भी साइंस टेक्नोलॉजी से चीजें जुड़ी हुई हैं जिसका मानव जीवन पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, ऐसी दशा में क्या होगा, तकनीकी रूप से दक्ष होना पड़ेगा प्रशासन को। और दक्षता के साथ जब आपके पास तकनीकी विकास आती है तो साथ साथ जिम्मेदारी भी लेके आती है। तो उसको, जैसे कि अब आप, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अब ये जो है आपका टीआरपी वाला खेल, अभी आपने देखा ऐसी दशा में इसका क्या है, लोक प्रशासन की भूमिका बढ़ती है, गिरफ्तारियां वगैरह हुई, साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब ये आ रहा है, तो ऐसी दशाओं में भी इसकी चीजें बढ़ महत्ता बढ़ रही है, क्योंकि हमको यहां तक भी जाके देखना पड़ेगा, साइबर क्राइम हो रहे हैं, तो ऐसी दशा में लोक प्रशासन को भी स्मार्ट बनना पड़ेगा, ठीक। तो ऐसी दशा में इसका महत्व भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अगला क्या है, पुलिस राज्य को प्रतिस्थापित करते हुए कल्याणकारी राज्य। पुलिस राज्य क्या होता है? पुलिस राज्य वहां होता है जहां पर आपको हर काम करने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है पुलिस को। उदाहरण के रूप में जब कोरोना काल में आपको सड़क पर निकलने के लिए भी क्या हो रहा था, बंदी से लगा दी गई थी पुलिस की। तो इस प्रकार का जब परमानेंट व्यवस्था होती है कुछ, या इस प्रकार का होता है सिस्टम के हर चीज को ही, व्यापार करना है, कुछ भी करना हो, पुलिस का जो रौब है बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है, या कह सकते हैं कि शासन जो है इतना सख्त रहता है कि आपके हर काम पर उसकी नजर रहती है या हर इंटरफेरेंस रहता है, ऐसी राज्य को पुलिस राज्य कहा जाता है। तो पुलिस राज्य हट क्या है, प्रतिस्थापित करते हो, कैसा राज्य आ गया, कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य वो राज्य जो जन कल्याण के लिए नीतियां बनाए और कार्यक्रम लागू करके, जैसे वर्तमान में चल रहा है, का उदय हुआ। कल्याणकारी राज्य एक सकारात्मक राज्य होता है जो जनता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होता है। और जब ऐसे राज्य की स्थापना होती है या इसको आगे बढ़ाया जा रहा होता है, तो ऐसी दशा में क्या होता है कि आपका प्रशासन की भूमिका में लगातार आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही होती है। भाई जब कल्याणकारी योजनाएं लागू होंगी, कोई नया एजेंडा सेट होगा गवर्नमेंट का, जैसे कि अब मान लीजिए कोरोना वैक्सीनेशन हो रहा है,
कोविड शील्ड का या कोरोना महामारी के संदर्भ में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, क्या है ये जनता के कल्याण के लिए हो रहा है। तो अब पूरी मशीनरी जो है इसमें लगी हुई है, तो क्या है इसमें क्या होगा, अब लोक प्रशासन का महत्व तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा भाई, एक परंपरागत काम से हट के एक अलग काम पर प्रशासन जो है जिम्मेदारी निभा रहा है, तो इसमें आसानी से आप इसकी बढ़ती भूमिका को महत्व को समझ सकते हैं। आधुनिक सरकारों द्वारा कल्याणकारी राज्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक नियोजन को अपनाए जाने में लोक प्रशासन के उद्देश्यों की भूमिका को बढ़ाया। देखिए हमने क्या किया है, आधुनिक सरकार क्या है, कल्याणकारी है, और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो है इकोनॉमिकल प्लानिंग करनी पड़ती है गवर्नमेंट को। देखिए जैसे कि अब हमारे यहाँ पर नीति आयोग की स्थापना हो गई योजना आयोग की जगह, जो कि एक सहकारी संघवाद को बढ़ावा देगी। जीएसटी लगाया हमने, क्यों, क्योंकि टैक्सेशन को बढ़ाना है और जनता को और सुविधा उपलब्ध करानी है। ऐसी दशा में क्या होगा, जो कर प्रशासन होगा हमारा वो क्या होगा, और प्रतिबद्ध होगा, और जो है उसकी जो भूमिका पहले से चली आ रही थी उसमें जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, उसके काम करने के तरीके में परिवर्तन आएगा, टैक्सेशन कलेक्ट करने के तरीके में परिवर्तन आएगा। तो इससे क्या हुआ, आपने देखा कर प्रशासन की भूमिका क्या हुई है, जिले में बढ़ी है या बदली है। तो इसके साथ भी आप इसको समझ सकते हैं इसकी भूमिका या महत्व में कैसे बदलाव हुआ। और बहुत से कारण है, जैसे जनसंख्या विस्फोट, लगातार बढ़ती जनसंख्या एक चुनौती है भाई। एक जिला जिसमें पहले कम जनसंख्या थी उसमें ज्यादा डबल हो जा रही जनसंख्या धीरे धीरे, तो लेकिन डीएम तो एक ही है ना अभी भी, वो पूरे चीजों को हैंडल कर रहा है। एसएसपी एक ही, एक तहसील में पहले 3 लाख जनसंख्या थी 5 लाख हो गई, तो वहां एसडीएम तो एक ही बैठेगा, ऐसा तो नहीं 2 एसडीएम बैठने लगेंगे जनसंख्या ज्यादा हो गई। तो क्या होगा, बढ़ती जनसंख्या या जनसंख्या विस्फोट भी जिला प्रशासन या प्रशासन को महत्वपूर्ण बनाती जा रही है, उनके उनकी भूमिकाओं को बढ़ाती जा रही है। आधुनिक कल्याण की प्रकृति, जो कल्याणकारी राज्य है जैसा मैंने बताया, उनके लिए कल्याण एक जो है अब प्राथमिकता पे है सरकारों पे, क्योंकि अगर वो कल्याण नहीं करेंगे तो लोकतंत्र जैसी प्रणाली में उनको वोट नहीं मिलेगा। तो कल्याणकारी भूमिका निभाने के कारण या जनता को अत्यधिक सुविधाएं देने के लिए जो सरकारें काम कर रही होती हैं, उसमें क्या होता, अल्टीमेट जो सरकार का हाथ पांव होता है वो कौन होता है, आपका प्रशासन है होता है, जिससे आप इसकी महत्ता भूमिका को समझ सकते हैं। अत्यधिक पर्यावरण ह्रास, अब देखिए जैसे वर्तमान में लगातार क्लाइमेट चेंज की और इन सब चीजों की बात हो रही है, तो जगह जगह प्लास्टिक को न वेस्ट करना, पराली न जलाया जाना, ये जो घटनाक्रम हो, जो गिरफ्तारियां वगैरह हो रही है, एक्स्ट्रा काम है ना, आज से 20 साल पहले तो नहीं होता था कि पराली जला रहे हैं तो पुलिस पकड़ के ले जा रही है, लेकिन अब पराली जलाइए आप या दिल्ली में जनरेटर चलाइए डीजल वाला तो क्या होगा, पुलिस पकड़ ले जाएगी आपको। तो ये पुलिस प्रशासन का एक एक्स्ट्रा काम शुरुआत हो गई ना पर्यावरणीय ह्रास के कारण, तो इसने भी इसके महत्व को और बढ़ा दिया है। वर्ग द्वंद, सांप्रदायिक दंगे, जातीय युद्ध, ये जो घटना होती है बीच बीच में वो एक्स्ट्रा बर्डन देती हैं, और ये लगातार अब होने वाली घटनाएं लगातार छिटपुट हर जगह होती रहती है ये सब चीजें, इससे क्या है प्रशासन के भूमिका और महत्व में लगातार वृद्धि हमें देखने को मिली है। यहां तक आपने पूरा डिटेल एक आंसर किया, अब देखिए इसको थोड़ा सा आप कैसे करेंगे, समाप्त करेंगे किस तरीके से। लेकिन आधुनिक कल्याणकारी राज्य में कार्यों की संख्या, विविधता और जटिलता में हुई वृद्धि एक प्रशासनिक पिछड़ेपन में परिणित हुई है। आवश्यकता इस बात की है कि प्रशासनिक विकास अर्थात संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक और व्यवहारिक बदलाव के जरिए प्रशासनिक व्यवसाय की क्षमता और योग्यता का सुदृढ़ीकरण हो। कहने का अर्थ है कि जो ये बदलाव हुए हैं उसने क्या किया है, लोक प्रशासन को सिर्फ बोझिल बना दिया है। हमने समस्याएं ओढ़ ली, लेकिन समस्याओं को निजात कैसे देना है प्रशासन को भी उतना हमने दक्ष नहीं बनाया। तो हमें क्या जरूरत है, हमें जरूरत है प्रशासनिक विकास की, प्रशासन के विकास की भी आवश्यकता है। सिर्फ आप अपने ऊपर ढेर सारी जिम्मेदारी ले लो और उसे निर्वाह ना कर पाओ उसकी, तो उसका क्या मतलब रह जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन आप अपने आप को भी कुछ ऐसा परिवर्तन अपने अंदर लाओ, अपने अंदर प्रक्रिया में बदलाव लाओ, अपनी क्षमता में बदलाव लाओ कि आप उन सारी जिम्मेदारियों को भलीभांति निभा सको, तब तो फायदा है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं। इसीलिए कहा गया कि इन सब व्यवस्थाओं के तरीके क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ प्रशासन जो है पिछड़ गया है। और आवश्यकता इस बात की है कि हमें प्रशासनिक विकास, मतलब कि प्रशासन में बदलाव लाके उसको अब दक्षता लाके, उसके अंदर जो लचीलापन लाके, जो गोपनीयता की प्रणाली थी उसको हटा के, पारदर्शिता के भाव लाके, सहभागिता का भाव लाके प्रशासन का विकास करना चाहिए, जिससे जो नई चुनौतियां प्रशासन को सामना करना पड़ रहा है उससे वो उबर पाए या आगे निकल पाए और जो सेवाएं उसको देनी है वो आसानी दे सके। ठीक। इसके अतिरिक्त निजीकरण को और बढ़ते झुकाव ने राज्य के आर्थिक कार्यों के उद्देश्य को भी घटाया है। क्या हुआ है, देखा आपने जैसे कि इस टाइम पे क्या हो रहा है, लगातार निजीकरण की बात चल रही है। जब निजीकरण होगा तो क्या होगा कि
आप का जो प्रशासन होगा उसकी जिम्मेदारी कम होगी। तो आपने एक लाइन दे दी कि यहां पर बता दिया कि इससे क्या होगा कि सरकार का जो आर्थिक उद्देश्य था, आर्थिक कार्य था, वो अब धीरे धीरे निजी क्षेत्रों की ओर जा रहा है। तो प्रशासन का कार्य सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, कल्याण और सिर्फ कल्याण। ठीक, देखिए एक डायग्राम दे सकते हैं आप, जैसे आपने बता दिया ये, थोड़ा छोटा कर दे तो आप लोग को दिखाई देगा, रुक जाइए। देखिए हमने एक डायग्राम दिया, एक ही पेज पे डायग्राम बना सकते हैं, थोड़ा और छोटा कर दो जाइए तो दिखेगा और आराम से। एक पेज का डायग्राम है, इसको आप लोग एक ही पेज में महत्व और बढ़ता महत्व, आप इसको बदल भी सकते हैं। तब एक मैंने क्या किया, महत्व यहाँ दिखा दिया आपको, यहाँ दिखा दिया बढ़ता महत्व, और इसको जोड़ दिया आपस में। तो महत्व क्या क्या है, निरंतरता प्रदान करता है ये, जैसा मैंने बताया कि जब कोई गवर्नमेंट गिरती है, नई गवर्नमेंट आती है, उसके बीच में जो निरंतरता होती है, ये परंपरागत काम है सारे। सरकार की बुनियाद होता है, नीतियों कार्यक्रमों को लागू करने का औजार होता है, राष्ट्रीय निर्माण में सहायक है, और तीसरी दुनिया की ताकत है। ये इसके पहले से जो महत्व है लोक प्रशासन की, वो है बढ़ता महत्व। आपने क्या दिखा दिया, औद्योगिकरण निजीकरण के कारण, नगरीकरण के कारण क्या है, इसका महत्व बढ़ा है। कल्याणकारी राज्य के उदय में इसका के कारण जो है, इसके महत्व में वृद्धि हुई है। वैज्ञानिक तकनीकी विकास के बाद लोक प्रशासन के महत्व में वृद्धि, ये सब वही हम लोगों ने जो पॉइंट डिस्कस किया उसको डायग्राम में बदल दिया है। इसको आप यहाँ लास्ट में नहीं रखेंगे, बीच में आंसर कहीं रख देंगे, ये तो मैंने दिखा दे कि आप यहाँ यूज कर सकते हो, ये बीच में रखोगे कहीं क्वेश्चन के आंसर के, ठीक है, जहां भी आपका मन करे, लास्ट में नहीं, निष्कर्ष से ऊपर बीच में ही। जनसंख्या विस्फोट, वर्ग द्वंद, सांप्रदायिक दंगे, पर्यावरणीय समस्या, इस तरीके से आप बीच में डायग्राम देखे तब निष्कर्ष वगैरह समाप्त करोगे, तो एक परफेक्ट उत्तर आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए आज महत्व तो देख लिया हम लोगों ने, अब नेक्स्ट टॉपिक कल हम लोग लेके आएंगे। टॉपिक बता देता हूं आज ही आप लोग को, लोक प्रशासन एक विषय के रूप में क्रमिक विकास, ये भी स्वतंत्र सवाल आता है, लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में क्रमिक विकास या क्रम विकास हम पढ़ेंगे, कैसे कैसे लोक प्रशासन पैदा हुआ, आगे बढ़ा और वर्तमान में क्या स्थिति है। तो कल हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे। आप लोग पब्लिक एड से रिलेटेड किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं इस नंबर पर। एडमिशन रिलेटेड किसी क्वेरी के लिए आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं कि कैसे एडमिशन लेना है, क्या फीस है, इन सब चीजों के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर एडमिशन ले सकते हैं। ज्यादा क्लासेस मत छोड़िए, हम लोग क्रमबद्ध तरीके से क्लास ले रहे हैं कि छोटा छोटा टॉपिक लेके आते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे, और हर दिन एक छोटा टॉपिक पूरा करेंगे हम लोग इसी तरीके से। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, धन्यवाद।